नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद सिंह रावत आप सभी का एमसीजी एकेडमी ग्वालियर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएफ के ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं, मैं लगातार आप लोगों को अपडेट जो एक्सपीरियंस वीडियो के थ्रू उपलब्ध करवा रहा हूं। तो आप लोगों के लिए जो है ट्रेड टेस्ट एक्सपीरियंस वीडियो का 12वां पार्ट है। इससे पहले मैं 11 जो है वीडियो आप लोगों को जो है उपलब्ध करवा चुका हूँ। दोस्तों, मैं आप सभी को जानकारी देना चाहूँगा कि जो मेरा मेन चैनल है उसी के नीचे मैंने आप लोगों के लिए आरपीएफ ट्रेड टेस्ट नाम से जो है चैनल बना रखा है, तो उस पर आप सभी लोगों को जुड़ जाना है, क्योंकि आगे से जो भी कुछ भी अपडेट होगा आप लोगों को वहीं पर उपलब्ध होगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके जो कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, और क्षमा चाहूँगा, मेरे पास कॉल यदि आप सीधा करना चाहो तो आप लोगों का यदि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो आप मुझे संपर्क भी कर सकते हो। साथ ही आप अपना क्वेश्चन जो है व्हाट्सएप में डाल दीजिए, मैं आप लोगों का आंसर बिल्कुल दूंगा, और किसी भी वीडियो में या किसी भी आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोगों के साथियों से ही क्लियर करवाया जाता है। जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा होगा, अभी अभी जो है अभी अभी आरपीएफ ट्रेड टेस्ट से उन्हें बाहर छोड़ा गया है जस्ट अभी, तो इस कारण से उन्होंने बाहर निकलते ही हम लोगों को अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया है, और उन्होंने हमें वो बहुत अहमियत प्रदान की है। साथ ही साथ उन्होंने जो है अंदर के कैंपस की भी वीडियो उपलब्ध करवाई है, तो आप लोगों को अंदर के कैंपस की वीडियो भी देख लेनी है, किस प्रकार से उन्होंने जो है काम करवाया गया है, किस प्रकार से उन्होंने क्या क्या बताया गया है, कैंपस की वीडियो भी उपलब्ध है। तो आप लोगों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे से आप लोगों को आरपीएफ का नोटिफिकेशन मिल सके। आप लोगों के लिए दोनों चैनल अनुभवी और बहुत ही उपलब्ध होने वाले हैं, क्योंकि जिस पर मैं डालने वाला हूँ वो भी, और आगे से आप लोगों के लिए 1 तारीख से जो आरपीएफ ट्रेड टेस्ट है उसी पर आप लोगों का अपलोड जो है उपलब्ध होने वाला है। ओके, सो आप लोगों को इन बाई का एक्सपीरियंस बहुत ही ध्यान से सुनना है पूरे अंत तक, और आप लोगों की आवश्यकता अनुसार चीज़ें ही इनसे पूछी गई हैं। ओके, तो इनको ध्यान से सुनिएगा। सर बताइएगा, सर आपका आज ट्रेड टेस्ट हुआ था सर? सर ये हमारा नासिक रोड पर ही था, आज का अनुभव शेयर कर रहा हूँ मैं। 10 अगस्त का है ना सर आपका? आज का ही है सर, अभी आए हैं स्टेशन पर बैठे हैं। हाँ, आपको आवाज भी आ रही होगी। हाँ सर, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सर। सर हम जा गए तो वहाँ पे उन्होंने अच्छे से वो किया हमें, वैसे तो मोटिवेट मोटिवेट कर रहे हैं कि दवा वो बत्ती है वहाँ पे, बत्ती जलाना पड़ता है। सर एक एक से पूरी पूरी बात शेयर कीजिए सर, मतलब शुरुआत से सर आपने क्या क्या किया वहाँ? सर वहाँ पे हमें मोटिवेट किया कि आपको अंदर बत्ती मिलेगी, एक दवा मिलेगा, और वो दवा थोड़ा वैसा पतला है और बड़ा है तो उस पर रोटी जल जाती है, तो वो एक जाली दे रहे हैं, उस जाली पे रख के फुलाना पड़ रही है रोटी, जाली पे रख के रोटी फुलाना पड़ रही है। और सर मतलब और पूरा शुरुआत से बताइए, मतलब सर क्या है कि आप एक एक बात बताइए जिससे आपके भाई लोग अच्छे से सुन सकें। आप अपना ट्रेड बताइए, और आप अपना ये बताइए कौन से ग्रुप से हो? वाटर कैरियर से हैं भैया, ग्रुप भी है। हाँ तो और बताइए। और सर गुना से है भैया? गुना से हो आप? राहुल रघुवंशी नाम। राहुल रघुवंशी जी, तो आप अपना पूरा अनुभव शेयर कीजिए, जैसे ही आप अंदर हुए फिर उसके बाद क्या करवाया सर आपसे, किस प्रकार से जो और लोग बता रहे हैं कि मतलब वो ग्रुप बनाए गए वगैरह वगैरह, तो आप सब कुछ बताइए ना सर एक बार। हाँ भैया, जाते ही पहले तो हमारा मतलब सबका हो, पहले आगे पीछे जाने से कुछ नहीं हो रहा, उन्होंने 5:30 टाइम दिया है, 6 बजे गेट खोला, और इसके बाद सभी 500 लड़कों को 7:30 बजे तक आ जाने दिया, और 3 के नीचे इकट्ठा कर लिया। 7:30 बजे से वो उस लिस्ट में से नाम बोलते जा रहे, मतलब नंबर बोलते जा रहे थे, तो नाम बोल रहे थे। इधर से अपन को पिताजी का नाम बोलना था, तो अपन पिताजी का नाम बोलते थे, वो मिला लेते थे, एक नंबर देते जा रहे थे 1, 2, 3 ऐसे करके 500 तक। फिर उसके बाद में ग्रुप बनाए उन्होंने। कितने कितने बच्चों के? 56 का एक ग्रुप बना रहे थे, 56 बच्चों का, और उस ग्रुप को 3 भागों में तोड़ देते थे, 14-14। हाँ सर, 4 भागों में, 14-14, 4 भागों में। अंदर तो 4-4 करके ले जाते थे, लेकिन ग्रुप 56 का बना रहे थे। हाँ सर, इसके बाद उन्होंने हमारे 8 ग्रुप बने थे, कम से कम 200 लड़के तो देने ही नहीं आए, 150 के लगवा। बस वो सर उसमें यही है कि हमारी मेरी मतलब रोटी फूल गई थी, सब हुआ था, बिल्कुल फूल रोटी थी, बहुत दिनों से प्रैक्टिस में, तो 3-4 साल से बना रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो भी नहीं था। उन्होंने क्या हुआ देखते ही नहीं, सर उन्हें बता रहे थे, वो पुलिस वाले पीछे खींच लगा, देख तो दिया सर ने बार बार क्यों बता रहा है, ऐसे करके सर ना तो उन्होंने बताने दिया, लास्ट में नाम भी नहीं आया। सर आप ये बताइए, अंदर हुए तो सभी लोगों से सर एक ही काम करवाया? सर करवाया वो तो दो
घरों से आटा उसरवा लेते हैं, मतलब बीच बीच में एक बार शुरू में ही उसरवाना पड़ता है उन्हें, आटा लगाना पड़ता है। और इसके बाद क्या जो खत्म हो जाता है ना, तो बीच में एक आध बार और करवा लेते हैं 14 लड़कों से भाई, और बाकी से तो रोटी रोटी वो 10-11 रोटी का आटा उसरवा लेते हैं, तो उससे ही फिर बनवाते हैं रोटी रोटी बनवाएगी आज तो हमारे। रोटी रोटी सब्जी का कोई सिस्टम नहीं किया आज? नहीं आज कटवाई नहीं है, रखी जरूरत थी सब्जी। बता दिया इसे वहां सर आपका कौन सा कौन से नंबर का ग्रुप था सर आपका? मेरा 8वीं नंबर का था सबसे। आप अपने भाइयों से कुछ कहना चाहोगे सर? ये सर के वो तो मतलब सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं मिला, मेरे नंबर भी अच्छे थे, 56 नंबर थे सर जनरल कैटेगरी पे। हाँ सर वो जी पास कर देते सिर्फ, तो कुछ नहीं था। अभी बता रहे थे कि सर 25 से ज्यादा नंबर तो किसी को दे ही नहीं रहे, उससे कम कम दे रहे हैं, और जिसको 20 से कम दे रहे हैं उसे बाहर कर रहे हैं, मतलब 20 से ऊपर और 25 से ज्यादा नहीं दे रहे। बता रहे थे वहां पर पुलिस वाले। ऐसा है सर, आप डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेके गए थे सर? डॉक्यूमेंट्स तो सर 10th 12th और मेरी ग्रेजुएशन भी वही तो बोले गया था, मूल निवासी और आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड। सर एक बात, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कुछ आपको अन्य जानकारी है? मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर। हाँ सर। जैसे सर सेंट्रल का ही जाति लगेगा सर? सर पहली बात तो मैं जनरल से हूँ और वहां तक पहुँच भी नहीं पाया, तो कैसे मैं जनरल नहीं बता पाऊंगा? यस सर, मैं रख के ले गया था वो, मैंने आपको बता। सर आपके साथ में कोई है जिससे यदि मेरी आप बात करवा सको? हाँ एक और भाई था मेरे साथ, नहीं गया था गुना से ही। हाँ। उससे बात कर लुआ। उसका भी हो गया फेल? सर हुआ उसका तो बात। हाँ हेलो। हाँ नमस्कार सर। हाँ बोलिए सर। सर आपका आज RPF का टेट टेस्ट था सर? हाँ हो गया मेरा। सर आप अपना पूरा अनुभव शेयर करना चाहेंगे सर? हाँ बिल्कुल। सर आप शुरुआत से बताइए सर, जैसे ही आपके अंदर हुआ तो क्या क्या करवाया गया सर? अंदर हुआ तो फिर उस पर तवा रखना, रोटी बेलने को दिया गया। सर आपको सीधा अंदर घुसा के सीधा रोटी बनवा दिया सर? नहीं। तो वही तो पूरा प्रोसेस बताइए सर। हाँ पहला पूरा प्रोसेस है, पहले 5:30 बजे हम गेट पर लगे। यस सर। 6 बजे हमको गेट के अंदर लिया। हाँ। फिर इसके बाद 7:30 बजे से हमारे नाम बोले। हाँ सर। नाम बोले फिर नंबर दिए गए, हमको इतना नंबर है। फिर इसके बाद अंदर एक हॉल में ले गए, उसमें बैठाया 1 घंटे तक। फिर इसके बाद ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया। फिर 14:14 में बेंच बांट दिया था। फिर इसके बाद हमारा ट्रेड टेस्ट हुआ तो रोटी बेलने को बोला गया। और रोटी बेली हमने तो फिर बोला उन्हें तवा मंगा रखा, इस पर तवा पर रोटी रखनी है आपको, और जाली दी गई थी अलग से, उस पर सेकना है। ऐसा? हाँ। हम्म। तो जाली पर रोटी सेकी तो चेक किया उन्होंने। फिर उन्होंने लास्ट में रिजल्ट आया तो पास कर दिया। आपका पास हो गया सर? हाँ। आप सर पूरा बताइए सर, फिर उसके बाद क्या करवाया सर आपसे? हाँ हम तो जनरल में है तो हमारा जाति प्रमाण पत्र लगता नहीं है, और ST/SC/OBC वालों का जाति प्रमाण पत्र लग रहा है, दो फोटो, 10th 12th की मार्कशीट और आय और मूल निवासी। आय और मूल निवासी। सर एक बात और बताइए सर। क्या? सर जैसे कि यदि किसी की मार्कशीट ना हो, हमारे कुछ बच्चे हैं जो पूछ रहे थे सर, किसी की यदि अंक सूची ना हो और सर क्या है उनकी यदि अंक सूची, मतलब जैसे यदि उन्होंने ग्रेजुएशन लगाया है सर, ग्रेजुएशन उनके पास अभी कॉलेज में जमा है, तो सर उसको ले जाना पड़ेगा ग्रेजुएशन की मार्कशीट? हाँ ले जाना पड़ेगा, नहीं भगा देते हैं। सर 15 दिन का समय नहीं दे रहे हैं सर? हाँ दे देते हैं समय पर, कुछ लोगों को भगा देते हैं, 10th 12th की नहीं होती है तो भगा देते हैं। हाँ कॉलेज कॉलेज की सर फंसी हुई है, उससे कुछ नहीं होगा, 10th 12th की अनिवार्य है। हाँ ये अनिवार्य है। और सर उसके बाद क्या करवाया सर? उसके बाद बस हमको वेरिफिकेशन करवाया फिर छोड़ दिया। ऐसा सर? हाँ। सर वहाँ से संबंधित कोई वीडियो फोटोज होंगे आपके पास? नहीं वीडियो फुटेज नहीं बनाने दे रहे हैं वो। ये भाई ने बनाए होंगे शायद से कुछ? नहीं मोबाइल ले लिया था उनसे तो डिलीट कर दी, बनाए तो थे उन्होंने। अच्छा तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि बहुत से भाई लोग डर रहे हैं, तो आपने जो एक्सपीरियंस दे दिया उससे क्या उनका भय खत्म हो जाएगा सर अंदर का। ठीक है सर।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हो गया। हम पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपका जो है आरपीएफ ट्रेडमैन में आप हो चुके हो सिलेक्ट। ओके सर धन्यवाद सर। और आगे सर हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा सर, कोई भी आपको जानकारी हो तो यहीं से आपको मिल जाएगी। धन्यवाद सर। सबका कंट्रोल रहता है कैसी घर हुआ तो आपके क्या कर रहे हो ना।
पास जो हमारी मोटी और चीज़ वाली जो अपने कैसे ठीक करेंगे अपनी मोटी बनाओ।